बुलंद करो, इंशाल्लाह बुलंद हो जाओगे। तुम्हारे लिए पैकेज बड़ा कमाल है, इतने बुलंद हो जाओगे, इतने बुलंद हो जाओ कभी तजर्बा करके देख रहे हो। जब बुलंदी के मैार पे पहुंचोगे ना, तो फिर डॉक्टर एक बात तुम्हारे लिए कह गया, खुदा बंदे से खुद पूछे बताते नहीं रजा क्या। हाँ, ये तुम्हारे लिए कह गया। बस इतनी मैंने अर्जियां करनी थी, इसलिए करनी थी, एक दिन आएगा जब वो आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आने वाला है, जरूर करीब तर है इंशाअल्लाह। लेकिन उसके साथ कुर्ब तक पहुंचने के लिए बावफा बनना होगा। बावफा बनना यही है, अगर तुम्हारा जिस्म बदलने से मंसूब हो चुका है, ये गलती ना करें। गलती क्या क्या ना करें, आसान सीधे चीजें कब उबाला, जो आंखें मुकद्दस मकाम को देखे वो आंखें सिर्फ इमाम देखे हराम ना देखे। कब उबा सकते हो खुद यार, ये मुश्किल काम नहीं है, मेहरबानी वरना ये रूटीन की मजाले चलती रहेंगी। हर बंदा वारा पड़ा यार नहीं मदद, वारा पड़ा यार नहीं मदद, वारा पड़ा यार नहीं मदद। तुम्हारा अंदर का और जगाना जरूरी है। 2026 2025 2027 जिन्होंने मुहर्रम बुक किया, उनको क्या पता मजालिस क्यों बर्पा होती है, उनको क्या पता। कोशिश करो ये आंखें जिसकी अमानत है, जिनसे मंसूब है, इधर उधर भी देखें, किसी को देख भी दिया बहन मां समझ के देखें। कोशिश करो खुश नसीब हो, तुम्हारे शिकम में कब्र रुके हुसैन का कतरा लुकमा जाता है। जिस शिकम में कब्र रुके हुसैन का कतरा जाए, वहां ना हराम जाए ना किसी का हक जाए। एक बात मुश्किल से करने लगा, मुझे मैसेज करती हैं बेटियां, बाबा सैयद आप जाते हो मेंबरों पे, हम अदालतों में फिर रही हैं, हमारे बड़े हमारा हक नहीं देते, हमारे घर वाले हमारा हक नहीं देते। मैं बेटा आप लोगों की तर्जमानी करते हुए बात करके जा रहा हूँ मजमे को, और यहाँ से सोशल मीडिया के जरिए इंशाल्लाह बात निकलेगी। कोशिश किया करो बेटियों का हक दिया करो। जो अली वाला शादी में बात करने लगा, जो अली वाला बेटी का हक नहीं देता, उसको मोहम्मद की बेटी के हक पे बोलने का हक नहीं है। अच्छा लगे तो विश्व में तो आपकी मर्जी है, मेहरबानी मेहरबानी है, शुक्रिया। आंखें पाक रखो, जबान पाक रखो, हाथ पाक रखो, शिकम पाक रखो। जमाने के इमाम के खुतबे के जुमला है, आपके जहन तैयार हो गए शहीद, सरकार कहेगा मेरी दादी का हक खाने वाला। भागो कहां भागो, फरमाएंगे जमीन में सुरंगे खोद के तहों में छुप जाओगे, ये सीढ़ियां लगा के आसमान पे चढ़ जाओगे। फरमाएंगे जहां भी जाओगे वो जो महदी को पहले पाओगे। तुम्हें क्या पता मेरी अम्मा हक मांगने आई। शहीद भी चलो वहां का दिल बन ही गया। मैं चंद जुमले अर्ज करता हूं, तो बीबी के घर का और दरबार का कोई लंबा सफर नहीं है, कोई लंबा सफर नहीं है। शहजादी इतनी देर से चली और इतनी देर बाद पहुंची। हाँ, बेटी के सफर बड़े लंबे हैं। बेटी एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, एक मोड़ से दूसरे मोड़, तीसरे मोड़ से चौथे मोड़, बेटी जरूर चलती रही मगर माँ का सफर बड़ा कलीन है। शजी और माँ लिखते सिर्फ 25 कदम है। शहजादी घर से चली दरबार तक पहुंची। एक ही बात यूं करता हूँ, गई थी तो सर के बाल काले थे, रात्रि साई तो सर के बाल सफेद हो गए। शाम वाली ने आगे बढ़ के माँ का इस्तकबाल किया, रोता हुआ माँ को देखा, माँ को देख के कहती है अम्मा क्या हुआ, रो के बीबी कहती है हुसैन को जिदा होता देखा ही। शहजादी तेरे शाम के सफर देख के आई हूँ, अली असगर के गले का तीर देख के आई हूँ। मेरा दिल है
मैं सरकारी ज़माना की हवाले से मजलूमी के दो तीन जुमले कह जाऊँ, मेरा जिगर फटता है मुबशर शाह में शहजादी के मसाइल नहीं पढ़ सकता, शनी में बाकी मसाइल पढ़ जाता हूँ। जब शहजादी को लेन की बारी आती है ना जिगर फटता है। जनरल फिजा चलो एक जुमला और सुनते जाओ। शहजादी की शहादत के बाद किसी को मिली, किसी ने देख के कहा, अय बजुर्ग तो कौन है? कहा मैं सैयदा की कनीज फिजा। फिजा अच्छा तू बता, मोहम्मद की बेटी जब दरबार गई थी कैफियत क्या थी, वापिस आई कैफियत क्या थी? अच्छा फिजा तू बता, जब वापिस आई रोना शुरू कर दिया, कितने दिन रोती रही? फिजा ये बता, रोने नहीं दिया शहर वालों ने, मौला अली ने बाहर उजरा बनाया। जनाब फिजा रो के कहते बस बस इससे ज्यादा ना पूछना, तूने मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया है, मैं तुझे क्या बताऊं। सुबह शाम रो रो के कहती थी, बाबा इस उम्मत को कलमा पढ़ाया, जिस उम्मत ने आके मेरा ये हाल कर दिया। दो इमाम ज़माना को पुरसा, बाबा तेरा फिजा कहती थी, बाबा आ देखे तो सही, बाबा जब मैं आती थी आप अपने मकाम से भी खड़े हो जाते थे, बाबा आप अपनी अब्बा बिछाते थे, बाबा आके देखे तो सही बेटी की हालत क्या। इमाम ज़माना को पुरसा देते, मौला तेरी दादी का बड़ा अरमान है। वैसे बस एक जुमला मेरा दिल चाह रहा है और शायद और नंबर सौ को बसाया, शायद आज भी बैठा है गुरबत की तस्वीर बन के सारे तबरुकात रख के बैठा है, रो के कहते भाई अल्लाह इसका क्या कसूर था, मेरा अल्लाह ये अलियस करके झूले की जली हुई लकड़ियां हैं इनका क्या कसूर था, मेरा अल्लाह ये अमामे गुलाबी नहीं थे उम्मत ने गुलाबी कर दी है, मेरा अल्लाह मेरे जवानों का क्या कसूर था, मेरा अल्लाह मेरे दूल्हे का क्या कसूर था। रोते 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 सरकार जमाना की दाई तरफ पत्तों में लिखा है मदीने का चला हुआ दरवाजा रखा है, चूड़ी निगाह दरवाजे पे पड़ती है, साहिब जमान रो के कहते मेरा अल्लाह मेरी माँ तो मजदूर थी, मेरी माँ का क्या कसूर था।